गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज द चैप्टर 3 ऑफ क्लास 8. दिस इज़ द रिवीजन फॉर योर कमिंग एग्जाम, फोर्थकमिंग एग्जाम. सो इन दिस लेक्चर वी रीड अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटर. इन दिस चैप्टर गिवन दैट द पॉलीगन्स, पैरेललोग्राम्स, क्वाड्रिलेटर मेनली डिपेंड ऑन द क्वाड्रिलेटरल्स. व्हाट आर द क्वाड्रिलेटरल्स? क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनकी फोर साइड्स होती है, उनको हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं. बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि पॉलीगन्स क्या होती हैं? दे मेड बाई लाइन सेगमेंट. वो लाइन सेगमेंट से बनाते हैं और वो क्या होते हैं? क्लोज्ड फिगर होते हैं. तो पहला, ये लाइन क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है या नहीं है वो डिपेंड करता है उसकी शेप पे. इट इज़ ए क्लोज्ड फिगर, क्लोज शेप या क्लोज्ड फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट से बने एक क्लोज फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं, मेड बाय लाइन सेगमेंट. तो अगर आपसे कोई पॉलीगन की डेफिनेशन पूछता है तो पॉलीगन की डेफिनेशन सिंपल है. स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रायंगल, दिस इज़ योर ट्रायंगल. अगर आप थ्री साइड्स की लेते हो तो वो क्या होती है? आपकी ट्रायंगल होती है. एंड नेक्स्ट, अगर आप फोर साइड लेते हो तो वो आपका स्क्वायर और क्वाड्रिलेटर भी बोलते हैं. स्क्वायर ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो, वो डिपेंड करता है कि अगर फोर साइड्स इक्वल हैं तो स्क्वायर, अदरवाइज क्वाड्रिलेटर. नेक्स्ट, आपके अगर फाइव साइड्स हैं तो उसको हम पेंटागन कहते हैं. फाइव से एंड अगर सिक्स साइड हैं तो उसको हम हेक्सागन कहते हैं. ऐसे सिमिलरली हेप्टागन, ऑक्टागन, गिवन इन योर बुक यू विल चेक. इन ट्रायंगल देयर इज थ्री साइड्स, क्वाड्रिलेटर या स्क्वायर फोर साइड, दिस इज पेंटागन एंड हेक्सागन, दीज आर पॉलीगन. और ये पॉलीगन आपकी कॉन्वेक्स पॉलीगन है, नॉट कनकेव पॉलीगन. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन? जब आपका ये देखो, दिस इज योर कनकेव पॉलीगन. ये जो डायगनल्स होते हैं, अगर ये आउटसाइड मीट कर रहे हैं तो कनकेव पॉलीगन होता है. अगर डायगनल आपके इनसाइड मीट कर रहे हैं तो वो आपका कॉन्वेक्स होता है. तो आप इजीली विद द फिगर यू कैन फाइंड इफ डायगनल्स मीट आउटसाइड इट मींस कनकेव, डायगनल मीट इनसाइड इट इज मीन कन्वेक्स पॉलीगन. अब आता है साइड के ऊपर बेस्ड. अगर साइड्स इक्वल हैं तो रेगुलर, अगर साइड्स इक्वल नहीं हैं तो इरेगुलर पॉलीगन्स होती हैं. दीज आर द पॉलीगन्स. यहाँ पे मेनली हमें जो हमारे चैप्टर में गिवन है, चैप्टर में हमें समझना है कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल. नाउ हाउ टू फाइंड द एक्सटीरियर एंगल. आपको ओपन कर्व, क्लोज कर्व, ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, यू कैन डू ईजिली. बट प्रॉब्लम आती है कि हम इसमें, जैसे आपका गिवन फिगर है, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल. अब आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180. एंड अगर क्वाड्रिलेटर ले रहे हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360 एंगल. हाउ टू फाइंड इफ पेंटागन इज गिवन, हेक्सागन इज गिवन, ऑक्टागन इज गिवन? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा आपका n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. अब ये n क्या है? n इज द नंबर ऑफ साइड्स. इट मीन्स अगर ट्रायंगल ले रहे हैं तो ट्रायंगल में जो n की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी. अगर आप क्वाड्रिलेटर ले रहे हो तो जो n की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी. अगर आप पेंटागन ले रहे हो, पेंटा मीन्स 5, तो n की वैल्यू आपकी 5, क्योंकि 5 साइड से बनती है. अगर आप हेक्सा ले रहे हो तो जो n की वैल्यू है वो 6 हो जाएगी. अगर आप हेप्टा ले रहे हो तो n की वैल्यू आपकी 7, और ओक्टा ले रहे हो तो आपके n की वैल्यू 8. तो ऐसे आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन दिस ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन. यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एन ओनली. यहाँ पे सिर्फ एल की वैल्यू पुट कर इजीली फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल. अब आपकी बात आती है एक्सटीरियर एंगल की. अगर इसमें एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए तो कोई भी शेप हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है आपका 360. देखो मैं सम लिख रही हूँ यहाँ पे, नॉट ईच एंगल. ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज 360. अगर आपसे ईच एक्सटीरियर एंगल पूछते तो ये 360 डिवाइडेड बाई एन हो जाता. अगर इसमें ईच इंटीरियर एंगल बोलेंगे तो ईच इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होगा आपका, ईच इंटीरियर एंगल होगा आपका एन माइनस 2 इंटू 180 बताया था, बस इसको किससे डिवाइड कर दो, एन से डिवाइड कर दो, ये ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा और ये ईच एक्सटीरियर
एंगल हो जाएगा. तो दीज आर द फॉर्मूले रिगार्डिंग एंगल टू फाउंड इंटीरियर और एक्सटीरियर. अब एक क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड द डायगनल. अगर आप डायगनल फाइंड करना चाहते हो द गिवन कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो डायगनल का फॉर्मूला है आपका एन एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू. तो आपका ये इजीली फाइंड कर पाओगे डायगनल. अगर मैंने डायगनल ट्रायंगल के फाइंड करना है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, थ्री हो जाएगी. और थ्री माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू, देखो थ्री माइनस थ्री जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा. तो एक भी डायगनल नहीं है ट्रायंगल में. अगर यहाँ क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए तो क्वाड्रिलेटरल में साइड फोर है, फोर माइनस थ्री और डिवाइडेड बाय टू, देखो ये हो जाएगा आपका फोर इंटू वन बाय टू, तो टू. तो कितने डायगनल हुए, टोटल नंबर ऑफ डायगनल आपके टू होते हैं इन क्वाड्रिलेटरल. तो सिमिलरली वी विल फाइंड इन पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड ऑक्टागन. अगर आप इनको ड्रॉ करोगे तो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, बट विद द हेल्प ऑफ डायगनल आप इजीली फाइंड, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड द डायगनल इन द ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन एंड हेक्सागन. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एंगल एंड डायगनल. नाउ कम टू द मेन क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम. पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है आपका, पैरेललोग्राम पे बेस्ड है. मैंने इसकी प्रॉपर्टी आपकी राइट करवाई थी कि पैरेललोग्राम क्या होता है. तो दिस इज योर पैरेललोग्राम. फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, बाय फिगर यू कैन इजीली फाइंड. देखो फर्स्ट आपका क्या गिवन है, पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की ये होती है जो ए बी है वो किसके इक्वल होती है, सी डी के. इट मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ए बी इक्वल होती है सी डी के और बी सी इक्वल होती है ए डी के. कि कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, अपोजिट साइड्स को. अगर मैं एंगल की बात करूं तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. एंगल ए सी के इक्वल होता है, एंगल बी डी के इक्वल होता है. ये अपोजिट एंगल्स हैं. अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है. और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है. तो एक्स प्लस वाई क्या होते हैं आपके, 180. अब इसमें एडजेसेंट एंगल कौन सा है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स. तो दीज आर एडजेसेंट एंगल, इनका सम क्या होगा, 180. बस आपकी इतनी ही प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ करते हैं. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल का सम 180 और एक डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट का मीनिंग ये है कि जो आपका ओ बी है वो किसके इक्वल है, ओ डी के, और जो ओ सी है वो किसके इक्वल है, ओ ए पे. इसी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन हैं पैरेललोग्राम पे. आपको बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, ये साइड गिवन होगी और ये साइड गिवन होगी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक क्वेश्चन है पैरेललोग्राम का, गिवन है पैरेललोग्राम का. अगर आपको एक एंगल मिल जाए पैरेललोग्राम, तो यू कैन इजीली फाइंड ऑल द एंगल्स. हाउ टू फाइंड ऑल द एंगल्स, अगर आपको ये एंगल गिवन है सी और ए बी सी डी गिवन है आपको पैरेललोग्राम, तो ये 70 है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी क्या होगा, 70. सेकेंड आपका इन एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180. अगर आप इसको एक्स मानो तो एक्स प्लस 70 का सम क्या होगा, 180. ये भी तो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है. नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की जो वैल्यू होगी 180 माइनस 70, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 110. तो अगर एक्स आपका 110 है तो अपोजिट एंगल अगेन इक्वल 110. अगर हमें एक एंगल मिल जाए तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं पैरेललोग्राम के हर एक एंगल को. नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया होता है, मान लिया ये आपका 3x और यहाँ 18 दे रखा है. अब आपको ये पता है यहाँ y प्लस एक्स आपको 3 दे रखा है, तो आपको ये पता है कि डायगनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. इट मीन्स ये जो चीज़ है 3x किसके इक्वल हो जाएगी, 18 के इक्वल हो जाएगी. और यहाँ से आप x निकाल सकते हो 18 बाय, तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई. और अब ये चीज़ है ये आपस में इक्वल है, तो x प्लस वाई क्या दे रखा है आपको, 3. अगर x 6 है, y 3 एंड y इज इक्वल टू 3 माइनस 6, आप इसको थोड़ा बड़ा ले लो, 9 ले लो क्योंकि माइनस में नहीं होती है. तो यहाँ पे राइट 9, यहाँ पे 9 माइनस 6 करोगे तो 3. तो बाय द यूजिंग प्रॉपर्टी यू कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. एक क्वेश्चन गिवन है इसमें कि अगर साइड्स आपको जैसे साइड्स दे दे कि 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे 2x इज इक्वल या 2y इज इक्वल टू 8. तो यहाँ से भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो. तो 2y किसके इक्वल हो जाएगा, 8 हो जाएगा. कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. यहाँ से y की वैल्यू आएगी आपकी 4. y की वैल्यू यहाँ पुट करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो. आप इसको बड़ा नंबर ले लो, इसको भी 8 ले लो. दिस इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 8. ये 3x y की वैल्यू 4 ली. अगर y की वैल्यू 4 लेते हो तो ये जो 3x है ये हो जाएगा 8 माइनस 4.
तो 3x इज इक्वल टू 4, और जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपकी 4/3। तो दीज आर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ यू कैन फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज गिवन। डायगनल गिवन है तो आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, साइड्स गिवन है तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम यू कैन फाइंड इजिली। एक प्रॉपर्टी और गिवन है, ट्रेपीजियम इज ऑल्सो गिवन। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी एंड एक शेप गिवन आपको काइट। अगर ट्रेपीजियम देखोगे तो A1 पेयर ऑफ साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये पैरेलल हो या ना हो बट एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। सेवन क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, दीज लाइन्स आर पैरेलल, और कोई लाइन उनको कट कर रही है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, तो वन साइड ऑफ एंगल सम क्या होता है आपका 180। अगर आपको ये एंगल गिवन है x और ये एंगल गिवन है 120, तो यू कैन ईजिली फाइंड x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। वाई? बिकॉज द टू लाइन्स आर पैरेलल, दिस इज ए ट्रांसवर्सल लाइन एंड वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंगल सब इज 180। ये क्या होता है आपका लीनियर पेयर होता है, यू नो दैट व्हाट इज लीनियर पेयर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 180 माइनस 120 ये क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन अपोजिट भी गिवन है, अगर आपको ये एंगल दे रखा है 80, अब मैं आपसे पूछूं कि दिस गिवन शेप इज ए ट्रेपेजियम और नॉट, तो आपका आंसर होगा अगर 120 प्लस 80 का सम 180 होता है तो ये ट्रेपेजियम है, अगर 180 नहीं होता है तो ये नॉट ए ट्रेपेजियम। तो आपको चेक करके भी बताना है, ये पैरेलल लाइन तभी होंगी जब इनका एंगल सम क्या होगा 180, तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा 60, तभी पॉसिबल, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो हैव ए गुड डे।